नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेत अमरजा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट फॉर क्लास 8 अंडर मिशन मैथमेटिक्स फॉर द डेट ऑफ 18th अगस्त 2023। टुडे आवर टॉपिक इज रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ स्क्वायर रूट। Given below in the conversation between students of class 8 and their physical education teacher. Read it carefully. यहाँ पे physical education teacher और class 8 के बच्चों के बीच बातचीत है। physical education teacher कह रहे हैं, hello students, I hope you are enjoying your practice session. Student, बच्चों आप लोग प्रैक्टिस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, यस सर, वी आर गेटिंग यूज टू इट नाउ। यस सर, हम लोग जो है इसमें बहुत मज़े कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर, टेल मी व्हाट हैव यू प्लान फॉर सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। बच्चों बताओ जो कि आपने इंडिपेंडेंस डे परेड का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का क्या प्लान किया है। सोनाली, वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग अ पीटी ड्रिल। 500 स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन द ड्रिल। सोनाली कह रही है जो कि मैं सोच रही हूँ जो कि एक पीटी ड्रिल करूँ जिसमें 500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। मयंक, बट सर वी आर कन्फ्यूज्ड हाउ टू डू दिस डू इट। मयंक कह रहा है जो कि लेकिन सर हम लोग कुछ कंफ्यूज्ड हैं जो ये कैसे हो सकता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर, ओके आई विल हेल्प यू आउट। फॉर द ड्रिल यू हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कह रहा है जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर कह रहा है जो कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो कि जितने नंबर ऑफ रो बने उतने ही नंबर ऑफ कॉलम भी बने। जैसे ये तीन हैं तो इस तरह से जितने नंबर ऑफ ये चार हमने लिया है तो ये भी चार होना चाहिए। तो जितने नंबर ऑफ रोज हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम भी होना चाहिए। तो अंकित, बट सर दिस इज़ नॉट पॉसिबल एज सम चिल्ड्रेन वुड लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अंकित कह रहा है लेकिन सर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ बच्चे बच जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर, यस यू आर राइट, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। फिजिकल एजुकेशन टीचर कह रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा, लेकिन बता सकते हो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस अरेंजमेंट में छूट जाएंगे। अंकित, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू स्टैंड इन सच मैनर। अब देखिए 500 बच्चों के लिए वो स्क्वायर रूट निकाला, तो 500 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो देखते हैं जो कि डिवीजन मेथड से। अब इधर से हम पेयर बनाते हैं लेफ्ट साइड से, तो दो पेयर बन रहा है, एक पेयर है और एक अनपेयर है। तो अब जो लेफ्ट साइड में है राइट साइड से हम पेयर बनाते हैं तो इसका जो होगा स्क्वायर रूट होगा टू डिजिट का होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब देखेंगे इससे पहले कौन से कंप्लीट स्क्वायर आता है। एक को एक से करेंगे तो एक, दो को दो से करेंगे तो चार आता है, तीन को तीन से करेंगे तो नौ हो जाता है, तो दो को दो से करेंगे तो चार आ गया। अब ये एक और एक साथ दो डिजिट उतरता है। अब इसका हम डबल लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, या एक बार और लिख दीजिए, ये फोर हो जाएगा तो फोर ये हो गया। अब यहाँ पे कोई संख्या उतारनी है और उसी से उसको मल्टीप्लाई भी करनी है, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करना होता चार को, वंस प्लेस पे छोड़ देते हो, चार को करना होता तो दो से देखते, तो 42 को टू से देखते करके क्या हो जाता, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, यानी इसको करेंगे टू यहाँ पे डालेंगे, जिस जो यहाँ पे डाले वो यहाँ भी डाले, तो ये हो जाएगा 84। अब सब्सट्रैक्ट करने के बाद 16 आता है। अब ऊपर तो कोई नंबर है नहीं
तो 16 रिमाइंडर बच जाएगा। और हर कॉलम में और नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो जो होगा 22 होगा। तो 16 स्टूडेंट्स वेयर लेफ्ट, यहाँ पे वी गेट द रिमाइंडर 16। दिस शो दैट 22 स्क्वायर इज लेस देन 500 बाय 60। 22 का स्क्वायर जो होता है वो 500 से 16 कम है, तो 16 बच्चे बाहर हो जाएंगे। दिस मीन्स इट वी सब्सट्रैक्ट द रिमाइंडर 16 फ्रॉम द नंबर, वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 16 चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, 16 बच्चे उस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर कह रहे दैट्स ग्रेट अंकित, यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, कीप इट अप। बहुत अच्छा आपने बताया है, इसी तरह आप जारी रखें। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।